स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, प्राचीन काल में तीन ऐसे इन्वेंशंस रहे हैं जिन्हें ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये तीन इन्वेंशंस ना हुए होते तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी इतनी डेवलप ना हो पाती। इन्वेंशंस थे फायर, व्हील और आयरन। फायर से लोगों ने एनिमल्स से खुद को सेफ रखा और खाने को पकाना शुरू किया। वहीं आयरन की मदद से टूल्स बनाकर वो फॉरेस्ट को क्लियर कर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस शुरू कर पाए। लेकिन व्हील की डिस्कवरी ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे डाला, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ और क्रॉस सिविलाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई। तब से ही ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स में नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहीं। उदाहरण के लिए, सबसे पहले हॉर्सेस और ऑक्स जैसे एनिमल्स का इस्तेमाल करके गाड़ियों को खींचा जाता था, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल इंजन मार्केट में आए। लेकिन इनमें सबसे रिसेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। वैसे तो पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल 1890 के अराउंड विलियम मॉरिसन द्वारा बना लिया गया था, लेकिन उस टाइम ये एक फीजिबल ऑप्शन नहीं था और इसके कंपैरिजन में इंटरनल कम्बशन इंजन वाले व्हीकल्स ज्यादा प्रैक्टिकल थे। पर पिछले कुछ सालों में ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की नई टेक्नोलॉजीज के साथ एक रिवॉल्यूशन आ गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को न सिर्फ किफायती और अफोर्डेबल बल्कि फीजिबल और प्रैक्टिकल भी बना दिया गया है। ग्लोबली ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस ईवी मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ऑलरेडी ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन ब्रांड टेस्ला की। टेस्ला का इनकॉर्पोरेशन जुलाई 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्किन द्वारा किया गया था, लेकिन फरवरी 2004 में $6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इलॉन मस्क कंपनी के लॉन्गेस्ट शेयर होल्डर बन गए। 2008 में इन्होंने कंपनी के सीईओ का पद संभाला, जिसके बाद से ही टेस्ला ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। टेस्ला का मिशन है ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना जो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ वर्ल्ड के ट्रांजिशन को और एक्सेलरेट करें। इसी विजन के साथ टेस्ला ने एक के बाद एक रिवॉल्यूशनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया। 2008 में टेस्ला की कार रोडस्टर लॉन्च हुई। उसके बाद 2012 में मॉडल एस सेडान को लॉन्च किया गया और 2015 में मॉडल एक्स एसयूवी को लॉन्च किया गया। लेकिन 2017 में टेस्ला के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब मॉडल 3 सेडान को लॉन्च किया गया। ये वर्ल्ड की ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग प्लग इन इलेक्ट्रिक कार है और जून 2021 में ये पहली इलेक्ट्रिक कार बनी जिसकी 1 मिलियन यूनिट्स को ग्लोबली सेल किया गया। टेस्ला यही नहीं रुकी, इसके बाद 2020 में मॉडल वाई क्रॉसओवर और 2022 में टेस्ला सेमी ट्रक लॉन्च हुआ। अपनी जबरदस्त स्ट्रेटजी के चलते आज टेस्ला 2023 में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस पोजीशन को कुछ साल पहले तक जापान की टोयोटा होल्ड करती थी, लेकिन पलक झपकते ही टेस्ला ने टोयोटा को काफी पीछे छोड़ दिया। टेस्ला के फुटप्रिंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेली कंपनी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मार्केट का 18% शेयर होल्ड करती है। अक्टूबर 2021 में टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन पहुंच गया था और ऐसा करने वाली ये 6th अमेरिकन कंपनी बन गई। सिर्फ 2022 में कंपनी ने लगभग 1.13 मिलियन व्हीकल्स को डिलीवर किया, जो कि पिछले साल से 40% ज्यादा थे। और अप्रैल 2023 तक की अगर क्यूमुलेटिव सेल्स को देखा जाए तो टेस्ला 4 मिलियन गाड़ियां बेच चुकी है। टेस्ला की ईवी सेगमेंट में इसी सफलता को देखते हुए अब टाटा और महिंद्रा जैसे इंडियन ब्रांड्स भी 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेस में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे इंडियन ब्रांड है जिसने शुरुआत तो कैब एग्रीगेटर के रूप में की थी, पर आज वो इंडिया की 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, जो आज इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओला ईस्टर्न वर्ल्ड में टेस्ला कंपनी की तरह स्थापित हो रही है। एज अ ब्रांड ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आज कितना बड़ा हो चुका है और इसके लिए कंपनी ने किन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के इकोनॉमी सबसेक्शन के लिहाज से जरूरी हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इनिशियली ओला इलेक्ट्रिक को ओला कैब्स की पेरेंट कंपनी AI टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी के रूप में ही एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल ने 1 लाख की वैल्यूएशन पर कंपनी का 92.5% स्टेक खरीद लिया और इस तरह ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक सेपरेट एंटिटी की तरह एस्टैब्लिश किया गया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आज भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी है, जिसका मई 2023 में वैल्यूएशन $6 बिलियन का था।
वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 373 करोड़ यानी लगभग 47 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। ओला इलेक्ट्रिक की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु के कृष्णागिरी में है, जो कि भारत की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.3 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को सेल किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की सेल से लगभग 3 गुना है। यानी हर एक महीने में इंडियंस ने करीब 60,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को परचेज किया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो ओला इलेक्ट्रिक 22% मार्केट शेयर होल्ड कर रही है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर बढ़कर 30% पर पहुंच गया। डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ जुलाई के मंथ में ओला इलेक्ट्रिक ने 19,000 यूनिट्स को सेल किया था। यानी जुलाई में इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अकेला ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 40% शेयर होल्ड कर रही थी। कंपनी की सेल परफॉर्मेंस को ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट ईयर इसी पीरियड के कंपैरिजन में ओला इलेक्ट्रिक ने 375% की ग्रोथ दिखाई है। यानी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लगातार ग्रो करती जा रही है और फ्यूचर के प्रोजेक्शंस के मुताबिक ओला के पास ग्रो करने के लिए आने वाले समय में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेडसीर के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कंट्री में 2030 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का पेनिट्रेशन 75% तक पहुंच जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट इंडिया में और भी बड़ा होने वाला है, जिसे कैप्चर करने का ओला इलेक्ट्रिक के पास सुनहरा अवसर है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की ये जर्नी आसान नहीं रही है और उसमें कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11th ऑफ सितंबर को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ ले जाने में ओला ने काफी इंपॉर्टेंट पुश दिया है। इस जर्नी में एक बेहतरीन स्टार्ट, सैकड़ों हर्डल्स, अनगिनत सेटबैक और बाउंस बैक जैसे कई एपिसोड शामिल हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत 2017 में हुई, जब ओला कैब्स की पेरेंट कंपनी के अंडर ओला इलेक्ट्रिक को एस्टैब्लिश किया गया। जनवरी 2019 में कंपनी के CEO भविष अग्रवाल ने 92.5% स्टेक खरीदकर ओला इलेक्ट्रिक को एक सेपरेट एंटिटी बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अपने विजन के दम पर फंडिंग उठाई और मई 2020 में कंपनी ने एम्स्टर्डम बेस्ड एटर्गो कंपनी को एक्वायर कर लिया। एटर्गो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट की एक प्रीमियर प्लेयर थी और इसका ओला इलेक्ट्रिक को काफी फायदा मिला। एटर्गो कंपनी से ओला को मिला डिजाइन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज ताकि ओला इलेक्ट्रिक खुद का स्मार्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना सके। और साथ ही ओला ने यह भी अनाउंस कर दिया कि ओला इलेक्ट्रिक 2021 में इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करेगी। लेकिन दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाली अनाउंसमेंट आई दिसंबर 2020 में, जब कंपनी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने का निर्णय लिया। ओला इलेक्ट्रिक ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ओला दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाला था, जिसकी कैपेसिटी होगी 2 मिलियन यूनिट्स। इसके लिए कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली जा सके। फैक्ट्री कंप्लीट होने के बाद करीब 10,000 जॉब्स भी क्रिएट होने वाली थी और ये एक ऑल वुमेन वर्कस्पेस के रूप में बनाया जाना था। जनवरी 2021 में अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए ओला ने साइमंस के साथ टाई अप किया ताकि इस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और तेजी से बनाया जा सके। दोनों कंपनीज के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी उसके मुताबिक ओला के पास साइमंस की इंटीग्रेटेड डिजिटल ट्विन डिजाइन और एक्चुअल ऑपरेशन से पहले प्रोडक्ट वैलिडेशन और प्रोडक्शन को डिजिटाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस का एक्सेस होगा। इस टाई अप के लगभग 1 महीने बाद ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी फैक्ट्री में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए ABB को अपना की पार्टनर बना लिया। बैटरी और मोटर असेंबली लाइंस में भी
एबीबी के रोबोट्स को डिप्लॉय किया गया। इसके बाद अप्रैल 2021 में भावेश अग्रवाल ने अनाउंस किया कि वो एक ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करेंगे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क होगा। ओला के हेड ने ये क्लेम किया कि ये नेटवर्क 400 से ज्यादा शहरों में फैला होगा और इसमें 100,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। ओला इलेक्ट्रिक की मार्केटिंग टीम भी अपना रोल बखूबी निभा रही थी क्योंकि अपने लॉन्च से पहले बायर्स में हाइप बनाने के लिए वो आए दिन स्कूटर के बारे में कोई ना कोई डिटेल लीक कर रहे थे। ये हाइप काफी रियल थी क्योंकि चार्जिंग टाइम से लेकर रेंज और कलर ऑप्शंस तक हर चीज को लेकर इसने लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था। फाइनली जुलाई 2021 में भावेश अग्रवाल ओला स्कूटर को बेंगलुरु की सड़कों पर लेकर निकल गए। इसने लोगों को इस स्कूटर का पहला ग्लिम्स दिया। भावेश द्वारा स्कूटी चलाए जाने की फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए और लोग इस स्कूटर का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लगभग 15 दिन बाद ओला ने अनाउंसमेंट करी कि वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग अपने मोबाइल ऐप के थ्रू शुरू कर रहे हैं। सिर्फ 499 के टोकन अमाउंट देकर ओला स्कूटर को बुक कराया जा सकता था। स्कूटर की बहुत बड़ी यूएसपी बना इसके 10 कलर ऑप्शंस जो कि ई स्कूटर के सेगमेंट में हाईएस्ट थे। बुकिंग ओपन होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ओला को ऐसी स्कूटर के लिए 100,000 बुकिंग्स मिल गई जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था। कंपनी के कैश रजिस्टर्स भर रहे थे क्योंकि लोग इस स्कूटर को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड थे। फाइनली 15 अगस्त 2021 को लोगों का इंतजार खत्म हुआ और भावेश अग्रवाल ने ओला S1 स्कूटर को 85,099 के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च कर दिया। साथ ही अक्टूबर से डिलीवरी स्टार्ट करने का प्रॉमिस भी लोगों से किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सक्सेस के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी आती हैं और यही कॉन्ट्रोवर्सीज ओला का इंतजार कर रही थी। कंपनी अपने डिलीवरी प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाई, इसके चलते लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक को आड़े हाथ हो लिया। कंपनी को प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स और दूसरी लॉजिस्टिकल हर्डल्स की वजह से 2 बार डिलीवरी की शेड्यूल डेट को चेंज करना पड़ा। इस कंपनी को उन बायर्स का काफी बैकलैश झेलना पड़ा जिन्होंने स्कूटर को कई महीने पहले एडवांस में ही बुक करवा दिया था और बेसब्री से स्कूटर का इंतजार कर रहे थे। फाइनली अक्टूबर के बजाय 15 दिसंबर 2021 को बेंगलुरु और चेन्नई में डिलीवरी को स्टार्ट किया गया। आने वाले कुछ हफ्तों में कस्टमर डिलीवरी पेसअप होने शुरू हो चुकी थी और इसी समय एक मेजर इंसिडेंट ने स्कूटर की रिलायबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए। 29 मार्च को होली फेस्टिवल के अराउंड महाराष्ट्र के पुणे में ओला S1 प्रो की एक यूनिट ने आग पकड़ ली। कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा कि लो क्वालिटी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके स्कूटर को बनाया गया, जिसकी वजह से ये इशू आया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने वाले इस सीरियस इशू के चलते गवर्नमेंट ने ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बूम मोटर्स और प्योर ईवी को शो कॉज नोटिस भी भेजा और उनसे पूछा गया कि फॉल्टी इलेक्ट्रिक टू व्हीकल डिलीवर करने के लिए उनके खिलाफ पीनल एक्शन क्यों ना लिया जाए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ओला ने कहा कि वो इंसिडेंट की रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही एक प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर कंपनी ने स्कूटर की 1411 यूनिट्स को हेल्थ चेकअप के लिए रिकॉल कर लिया। कुछ हफ्तों बाद ही कंपनी ने S1 प्रो स्कूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट अनाउंस किया और कस्टमर्स को प्रॉमिस किया कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी फायर इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट्स लोगों के सामने आते रहे जिसमें ओला स्कूटर को आग की लपटों में देखा जा सकता था। प्रीलिमिनरी फाइंडिंग में पता चला कि बैटरी सेल में किसी दिक्कत या फॉल्टी डिजाइन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि इसकी जांच में एटलीस्ट 3 गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हो गईं: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। DRDO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन डिफेक्ट्स का मेजर रीजन था कॉस्ट कटिंग के लिए यूज किया जाने वाला लोअर ग्रेड मटेरियल। यहां तक कि कंज्यूमर्स को सेफगार्ड करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लिथियम आयन बैटरीज के लिए नए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इशू किए। हालांकि सभी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने पर काम किया, जिसके चलते फायर इंसिडेंट्स के बाद ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट इरोड हो गया था वो अब वापस स्ट्रांगली बिल्ड होने लगा। ओला इलेक्ट्रिक के लिए फिलहाल अच्छे दिन वापस आ गए हैं और भावेश अग्रवाल और उनकी टीम लगातार नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर काम कर रही है। कंपनी ने ओला S1 और बजट सेगमेंट के लिए ओला S1X को भी लॉन्च किया। लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी उतरने को तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें 70 kWh से लेकर 80 kWh तक की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज होगी। यानी ओला इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सेगमेंट में सक्सेसफुल होने के बाद अब 4-व्हीलर सेगमेंट में टाटा, महिंद्रा और टेस्ला जैसे बड़े बड़े ब्रांड से टक्कर लेने को तैयार है। दोस्तों, भारत में कैब मार्केट और इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट को कैप्चर करने के बाद ओला अब अपने फुटप्रिंट्स को और भी आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईवी मार्केट के फ्यूचर को लेकर
ओला इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है और उसका गेम प्लान क्या है? देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के फास्ट ग्रोइंग मार्केट में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ओला इसमें लगभग $1 trillion की अपॉर्चुनिटी देख रहा है। ओला के अकॉर्डिंग अगले कुछ सालों में भारत में 155 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और पैसेंजर कार्स की डिमांड होगी और ओला इलेक्ट्रिक इस डिमांड के मेजोरिटी हिस्से को कैप्चर करना चाहता है। ओला का विजन है ग्लोबल ईवी मार्केट का एटलीस्ट 15% कैप्चर करना। इंडिया की वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर्स का कहना है कि आने वाले 8 सालों में इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल 24 गुना बढ़ जाएगी। कंपनी का मानना है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनल कंबशन इंजन वाले 2 व्हीलर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, इसलिए ओला इलेक्ट्रिक अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस कर रहा है। ओला का ये भी प्लान है कि अगले 2 से 3 साल में एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटजी को रोल आउट किया जाए। पहले स्टेप के तौर पर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक सीरीज लॉन्च करना चाहती है, इसमें स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, सेडान्स और SUV शामिल होंगी। अगले 1 साल में ओला प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी उतरना चाहती है, जिसके बाद एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल भी लॉन्च की जाएगी। साथ ही 2024 में प्रीमियम SUV और प्रीमियम सेडान को लॉन्च करने का प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओला 2025 तक अपने मास स्कूटर भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है और अंत में ओला ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज के साथ एक रोबो टैक्सी को लॉन्च करने का विजन रखती है, जो उसके प्रोडक्ट्स की रेंज को कंप्लीट करेगा। ओला अपनी सर्विस डिलीवरी पर भी फोकस कर रही है और अपने व्हीकल्स के लिए डार्क सर्विस स्टोर्स के थ्रू आफ्टर मार्केट सर्विस को डिलीवर करना चाहती है। दोस्तों, डार्क सर्विस स्टोर्स ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पर कस्टमर्स की एंट्री अलाउड नहीं होती। साथ ही मोबाइल वैन्स के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सर्विस करने की भी शुरुआत की जा चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल करके कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करेगी। साथ ही ओला अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपैंड करना चाहती है और उसके लिए ओला कैब्स के डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। ओला को उम्मीद है कि उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के लिए कॉम्पैटिबल होगा। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका हाइपर चार्जर नेटवर्क अगले 3 साल के अंदर बैटरीज को 20 मिनट में हाफ चार्ज करने में कैपेबल होगा। साथ ही होम चार्जिंग बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करके ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एनर्जी नीड का 20-30% भी कैप्चर करना चाहती है। ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के इंडिजनाइजेशन पर भी ध्यान दे रही है। कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है। इस फैसिलिटी में 200 रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। कंपनी का टेक हेडक्वार्टर इंडिया की IT कैपिटल बेंगलुरु में है और USA के सैन फ्रांसिस्को, UK में पुणे और जापान में कंपनी के रिसर्च सेंटर्स होंगे। ओला की 1 मिलियन यूनिट कैपेसिटी वाली फ्यूचर फैक्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसका करंट आउटपुट 5 लाख यूनिट्स का है। ये फ्यूचर फैक्ट्री हाईली ऑटोमेटेड है और यहाँ 3000 रोबोट्स को डिप्लॉय किया गया है। इस फैसिलिटी में लेजर क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और फुली ऑटोमेटेड पेंटिंग लाइन जैसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या इन सभी एम्बिशियस प्लान्स को फुलफिल करने के लिए ओला फाइनेंशियली कैपेबल है? तो देखिए, 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने न्यूयॉर्क बेस्ड टेक्निक कैपिटल, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म एल्पाइन कैपिटल, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस फर्म एडेलवेस और दूसरे इन्वेस्टर से $200 मिलियन की फंडिंग को सिक्योर किया। 2022 तक ओला ऑलरेडी $5 बिलियन का फंड उठा चुकी थी और इसकी वैल्यूएशन $6 बिलियन से भी ज्यादा की है। कुल मिलाकर एस्टैब्लिश होने के बाद से ओला इलेक्ट्रिक ने इक्विटी फंडिंग के जरिए $880 मिलियन और डेट में $500 मिलियन की फंडिंग उठाई है। भले ही ओला इलेक्ट्रिक ने अपने फ्यूचर प्लान्स को डिसाइड कर लिया हो, लेकिन आने वाला समय कंपनी के लिए काफी सारे चैलेंजेस लेकर आने वाला है। सबसे पहला मेजर चैलेंज होगा दूसरे एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ स्टिफ कंपटीशन। करंटली ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में डील कर रहा है और वर्ल्ड में 2 व्हीलर्स के सबसे बड़े ब्रांड्स इंडियन ही हैं। उदाहरण के लिए हीरो और बजाज जैसी कंपनीज भारतीय हैं, जो ग्लोबल 2 व्हीलर मार्केट में अपनी पकड़ रखते हैं, लेकिन अभी तक इन ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में डेडिकेटेड एंट्री नहीं करी। हालांकि उनके पोर्टफोलियो में कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं, पर अभी भी प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में इन ब्रांड्स ने प्रोडक्शन लॉन्च नहीं किया। लेकिन एक बार इन ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री कर ली तो लोग इन ब्रांड्स को प्रेफर करेंगे। उसका सबसे पहला रीजन है इंडियन मार्केट में इनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, क्योंकि ये ब्रांड्स काफी पुराने समय से इंडियन पब्लिक को सर्व करते आए हैं। और दूसरा रीजन है इन ब्रांड्स का वास्ट सर्विस नेटवर्क, जो ओला इलेक्ट्रिक के पास मिसिंग है। इसीलिए ओला इलेक्ट्रिक को इन ब्रांड्स के साथ स्टिफ कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। ओला के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा इंडिया में
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वैसे तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को चार्ज करने के लिए लोग होम चार्जर्स को प्रेफर करते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डेली एवरेज रनिंग के अकॉर्डिंग एक सिंगल फुल चार्ज में स्कूटर की रेंज इतनी हो जाती है कि लोगों को फास्ट चार्जर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात होती है इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स की तो सिचुएशन एकदम ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि लोग आउट स्टेशन भी ट्रैवल करते हैं जहां पर फास्ट चार्जर्स की नीड होती है। ऐसे में कंपनी इन्वेस्ट करके अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाना चाहती है। इसके साथ कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि एक रोबस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। तीसरा चैलेंज होगा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक को एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना होगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को मीट किया जा सके। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। कंपनी का अगला बड़ा चैलेंज होगा बैटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रिटिकल कंपोनेंट है। ऑलरेडी रोड पर 60,000 ओला स्कूटर्स दौड़ रहे हैं और जबरदस्त प्री बुकिंग भी मिल रही है, लेकिन बैटरी सेल से रिलेटेड सप्लाई चेन इश्यूज के चलते प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। ओला को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को इनोवेट और इम्प्रूव करते रहना होगा। साथ ही कंपनी को यह इंश्योर करना होगा कि उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसका लाइफ स्पैन लंबा हो। लास्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा रेगुलेटरी चैलेंज। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडेप्टेशन के लिए एम्बिशियस टारगेट्स को सेट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स इंसेंटिव्स, इम्पोर्ट ड्यूटी और दूसरे रेगुलेटरी हर्डल्स ओला इलेक्ट्रिक को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के इंट्रोडक्शन और फर्दर एक्सपेंशन के प्लान्स के साथ ओला इलेक्ट्रिक के पास पोटेंशियल है कि वो इको फ्रेंडली और एफिशिएंट मोबिलिटी सॉल्यूशंस देकर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर रीशेप कर सकती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इवॉल्व होगी, वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो बदलते हुए कंज्यूमर प्रेफरेंस को अडॉप्ट कर पाती है या नहीं। साथ ही उसकी सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि वो आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी रहे और उसको ओवरकम कर सके। उसके बाद ही हम ग्लोबली टेस्ला के कंपटीशन में एक और ब्रांड का इमर्जेंस देख सकेंगे, और तभी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वास्तविकता में टेस्ला ऑफ द ईस्ट या कहें ओला ऑफ द वर्ल्ड बनने की तरफ कदम रख सकेगी। और इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया, आल्सो स्टेट द चैलेंजेस व्हिच विल बी फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इन कमिंग टाइम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।